26 नहीं है भाई, 24। नहीं देते इस समय, नहीं दे रहे। खरीदी तो बिल्कुल गले तो मिलना नहीं चाहिए ना, शेक हैंड भी नहीं देना चाहिए, गले भी नहीं मिलना चाहिए, ईदगाह पे नहीं जाना चाहिए, तराबियां भी घर में पढ़ना चाहिए। मैं माफी चाहता हूं हमारे मुसलमान भाइयों से या किसी भाई से भी, नो रिलीजियस कांग्रीगेशन आर अलाउड, नो पॉलिटिकल मीटिंग्स आर अलाउड, नो रैलीज विल बी अलाउड, ऑल दैट इज बैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दैट विल कंटिन्यू इन तेलंगाना। तेलंगाना के विकास में काम कर रहे हैं हम। आपको जैसा मैंने पहले बताया था, हमारे बेटे हमारे तेलंगाना राज्य विकास के प्रतिनिधि मानते हैं। आप बेफिक्र से यहाँ काम कर सकते हैं, यहाँ सारा काम खुल जा रहा है, आपको करने के लिए पूरा काम मिल जाएगा। हाउसिंग एक्टिविटी चलेगा, रियल एस्टेट चलेगा, काफ़ी और काम भी चल पड़ेगा, इंडस्ट्री भी चलेगा, तो लिहाजा आप अपना काम ढूंढ सकते हैं। जहाँ आप पहले से काम कर सकते हैं वहाँ आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। जो लोग जाने के लिए मन बना लिए हुए हैं आप लोग जा सकते हैं, कोई पाबंदी हम रोकेंगे नहीं, लेकिन एकदम लाखों लोगों को हम नहीं भेज सकते। आज मेरा यूपी सीएम साहब से बात हुआ, बिहार सीएम साहब से बात हुआ, कई चीफ मिनिस्टर लोगों से और कई अधिकारियों से मेरा बात हुआ उत्तर भारत में, वो लोग भी लेने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने एक दिक्कत बताया कि जो लोग जाना चाहते हैं उनका सूची हमको वहाँ भेजना पड़ता है, कितने लोग जाएंगे, और उस राज्य में वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, या किसी और राज्य में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, तो वहाँ पे किस जिले में वो लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ के सरकार इनके जाने का प्रबंध करना चाहिए। वहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इनके लिए स्पेशल प्रबंध करना पड़ेगा। अब ये लोग सडनली जाके उतर गए, और बिहार जैसा राज्य है वहाँ के लोग बता रहे थे, वहाँ के सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी बता रहे थे, कई लाख लोग वहाँ पहुँच रहे। तो एकदम 1 लाख लोग आ जाए तो उनको संभालना उनको मुश्किल हो जाएगा, तो वो लोग भी एक शेड्यूल बना रहे। अगर बाहर से लोग आ रहे तो किस प्रकार से उनको कौन से रेलवे स्टेशन पे उतारा जाए, किधर लिया जाए, और जैसा सेफली उनका घर पहुंचा दिया जाए, उनके गांव पहुंचा दिया जाए, इसके लिए टाइम लगेगा।